दोस्तों नमस्ते। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भेज पुलाव की रेसिपी। आज हम लोग भेज पुलाव बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही झटपट बनाएंगे। तो चलिए भेज पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पुलाव बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जी, पनीर, शिमला मिर्च, थोड़े से सूखे खड़े मसाले, काजू, किशमिश और बादाम लिए हैं। पुलाव बनाने के लिए आप लोग अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। यहाँ मैंने तीनों तरह के शिमला मिर्च लिए हैं। आप चाहे तो एक तरह का ही शिमला मिर्च से भी पुलाव बना सकते हैं। तो चलिए पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए हम लोग कोई भी बड़ा साइज का बर्तन या कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, उसमें डाल देते हैं घी। पुलाव को हम लोग देसी घी से बनाएंगे। घी से बनाने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। घी अच्छी तरह से पिघल गई है, उसमें डाल देंगे काजू। काजू थोड़ी थोड़ी भून गई है, अब हम लोग डाल देंगे इसमें किशमिश। किशमिश को हमें ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर तक भूनना है। किशमिश फूले फूले हो जाएंगे, उतनी ही देर हम लोग को किशमिश को भूनना है। काजू भी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, किशमिश भी फूले फूले हो गया। अब हम काजू और किशमिश को निकाल लेंगे। काजू और किशमिश को निकालने के बाद वही घी में डाल देंगे पनीर। पनीर भी अच्छी तरह से भून गई है, गोल्डन हो गई है। अब हम लोग पनीर को भी निकाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च भी भून गई है, शिमला मिर्च को भी निकाल लेंगे। वही कढ़ाई में डाल देंगे फिर से 2 चम्मच देसी घी। गरम हो गई है, अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से खड़े गरम मसाले। गरम मसाले मैंने यहाँ दालचीनी, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और कबाब चीनी लिए हैं। इसमें डालेंगे थोड़े से साबुत खड़े जीरे, एक बारीक लाल मिर्च, थोड़े से लंबे स्लाइस में कटे हुए अदरक, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और 3-4 हरी मिर्च। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 1 पिंच हींग। हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़े से मूंगफली। मूंगफली को भी थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए आलू। अब डाल देते हैं गाजर। अब भेज पुलाव में अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जैसे बीन्स हो गया, फूलगोभी हो गया, बीट हो गई, कोई भी सब्जी से आप भेज पुलाव बना सकते हैं। तो थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग डालना आपकी पसंद है, आप चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो नहीं डालें। अब सब्जी को अच्छी तरह से ढक कर 2 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को 2 मिनट तक ढक कर पकाने के बाद उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर। सब्जी अच्छी तरह से भुना गई है, अब हम लोग इसमें डालेंगे चावल। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ बासमती चावल लिया है। चावल को मैंने आधा घंटे तक पानी में भिंगो कर रखा है। अब चावल को डाल देते हैं कढ़ाई में। चावल को हमें हल्के हाथों से भूनना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। चावल को हम 1 मिनट तक भूनेंगे। चावल को 1 मिनट तक चलाने के बाद अब हम लोग इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें जितना चावल लिए है उसका डबल डालना है। देखिए मैंने यहाँ इस कप से 3 कप चावल लिया है, तो इसमें 6 कप पानी डालेंगे। पुलाव में डाल देते हैं नमक। नमक आप अपना स्वाद अनुसार डालें। डाल देते हैं थोड़ा सा चीनी। चीनी डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से पुलाव का पानी सूख ना जाए। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, नहीं तो पुलाव नीचे से बैठ जाएगा। देखिए ऊपर अच्छी तरह से पानी सूख गई है, लेकिन नीचे अभी तक पानी है। इसे ज्यादा ना चलाएं, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अब डाल देते हैं काजू, किशमिश और शिमला मिर्च और पनीर, जिसे भून कर रख देते हैं। फिर से थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। देखिए पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। ऊपर
ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब पुलाव को गैस की फ्लेम को बंद करके 15 मिनट के लिए ऐसे ढककर छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, पुलाव बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी। देखिए बहुत ही बढ़िया खिले खिले पुलाव बने हैं, चावल एक भी टूटे नहीं है। तो लीजिए सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है भेज पुलाव। भेज पुलाव के साथ आज मैंने बनाया है गाजर का रायता और मिक्स भेज। आप इस पुलाव को तड़का, कोई भी भेज नॉन भेज आइटम के साथ खा सकते हैं। आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।